दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि अरमान मलिक की सेकंड वाइफ कृतिका वापस शेप में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से कृतिका के बारे में सोशल मीडिया पर जो उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, उनके वजन को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें बार बार पायल से कंपेयर किया जा रहा है। इसके बाद कृतिका जो है काफ़ी परेशान है, इसी वजह से जिम में इस टाइम पर वो जमकर पसीना बहा रही हैं। ये बात आप जानते ही हैं कि बच्चों के डिलीवरी के बाद कृतिका पायल दोनों का वजन काफी बढ़ गया था। ऐसे में दोनों ने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू तो किया, लेकिन जो पायल है वो जल्दी से अपना वजन कम कर पाई और कृतिका चीज में पीछे रह गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर आए दिन कृतिका के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करते नजर आए। कृतिका ने जब भी अपना कोई नया वीडियो शेयर किया, लोगों ने उनके बढ़ते वजन को लेकर उन्हें काफी ज्यादा ताने दिए। हालांकि लोगों ने कृतिका को पायल से कंपेयर भी किया। पायल ने जिस तरीके से अपना अचानक से वजन कम किया, उसके बाद लोग पायल की तो तारीफ करते नजर आए, लेकिन कृतिका के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। कृतिका मलिक जो कि अरमान मलिक की सेकंड वाइफ हैं, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने जैद रखा। और वहीं बात करें पायल की, तो पायल के इस टाइम पर 3 बच्चे हैं। पायल को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि पायल वाकई 3 बच्चों की माँ है, जिसकी वजह से जो पायल है वो हमेशा फैंस की फेवरेट बनी रहती हैं। हालांकि अरमान की दोनों पत्नियों को कई बार एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। वहीं बात करें पायल के बारे में, तो पायल की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी है। अरमान की फर्स्ट वाइफ होने की वजह से उन्हें लोगों की सिंपैथी भी काफी मिलती है। इसके बावजूद जो कृतिका है हमेशा लोगों के निशाने पर रहती है। लोगों को लगता है कि कृतिका के आने से पायल का घर खराब हो गया, जबकि अरमान के साथ पायल ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कृतिका को लेकर बहुत नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं। हालांकि बढ़ते वजन की वजह से कृतिका को लेकर ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रोल किया जा रहा हो। वो अपनी बॉडी पर काफी मेहनत कर रही है इस ट्रोलिंग की वजह से, जिसके बाद उन्हें थोड़ा बहुत सफलता तो मिल रही है, लेकिन पहले की तरह शेप में वापस वो भी नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से आए दिन लोग उनके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं। यही वजह है कि हाल ही में कृतिका ने कुछ वर्कआउट करते हुए पिक्चर्स को शेयर किया, जिसके बाद लोगों ने एक बार फिर से उन्हें लताड़ना शुरू कर दिया। इन पिक्चर्स में कृतिका जिस तरीके से अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं, लोगों ने आप देख सकते हैं उनके बारे में कितनी गंदी गंदी बातें लिखना शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि इस तरीके से बॉडी फ्लॉन्ट करना, अपने आप को यूं दिखाना बहुत गलत बात है, जिसके बाद एक बार फिर से जो कृतिका मलिक है वो ट्रोल्स के निशाने पर है। बढ़ते वजन की वजह से आपको भी लगता है कि कृतिका को निशाना बनाए जाना बिल्कुल गलत है? सोशल मीडिया पर कृतिका को लेकर जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जो नेगेटिव बातें की जा रही हैं, वो अपने आप में काफी गलत है। ऐसी बातें लोगों को नहीं कहनी चाहिए। जो भी कृतिका के बारे में आपकी राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।